सन 1961 में काजिमर्स कोडलुस्की ने, जो कि एक पोलिश मूल के साइंटिस्ट थे, एक बेहद दिलचस्प घटना का पता लगाया। मानव इतिहास में पहली बार उनके रिसर्च के द्वारा दुनिया के सामने यह बात रखी गई कि पृथ्वी और चांद के बीच वाले L5 यानी लैग्रेंज पॉइंट पर डस्ट क्लाउड्स का जमावड़ा है। और ऐसे एक नहीं बल्कि दो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर ये डस्ट क्लाउड्स देखे गए हैं। बाद में इन्हीं डस्ट क्लाउड्स का नाम रखा गया KDC यानी कोडलुस्की डस्ट क्लाउड्स। मगर पिछले 50 सालों से भी ज्यादा समय से दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स इन डस्ट क्लाउड्स को लेकर अपनी आशंका और शक जताते रहे हैं। इन डस्ट क्लाउड्स की मौजूदगी का कोई भी ठोस सबूत नहीं होने के कारण कोडलुस्की डस्ट क्लाउड्स हमेशा एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट रहा है। लेकिन अब हाल ही में हंगरी देश के कई एस्ट्रोनॉमर्स ने कुछ स्पेशल फिल्टर्स की मदद से इस बात का पता लगाया है कि यह डस्ट क्लाउड्स बहुत ही सूक्ष्म डस्ट पार्टिकल से बने हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1 मिलीमीटर से भी छोटे हैं, और इसीलिए इनसे टकराकर जो रोशनी रिफ्लेक्ट होती है वह बहुत ही हल्की या फेंट होती है। और साथ ही गैलेक्टिक लाइट, स्टार लाइट, स्काई ग्लो और जोडियाकल लाइट ऐसी आम घटनाएं हैं जिसके कारण से इन डस्ट क्लाउड्स को डिटेक्ट कर पाना आसान नहीं होता है। तो अब इन रिसर्च के आधार पर टेक्निकली पृथ्वी का एक नहीं बल्कि 3-3 चांदों के होने की बात मान ली गई है।